30 जनवरी 2021 को सागर में प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा स्थल खेल परिसर का जायजा लेने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक प्रदीप लारिया, महापौर अभय दरे, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित जिले भर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कलेक्टर पहुंचे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के आने से सागर ही नहीं पूरे प्रदेश में सौगात मिलने वाली है। आप देख रहे हैं 450 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री किसान योजना में डाला जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो डलती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सम्मान निधि की शुरुआत की है और कल सारे प्रदेश के लिए 450 करोड़ रुपया सागर से डाले जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे सागर जिले के किसानों के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएँ जो हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की थी एक जमाने में, उनके उद्घाटन है, कुछ के शिलान्यास भी हैं। दुग्ध डेयरी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिलने वाली है, संयंत्र लग रहा है, करोड़ों की तादाद से लग रहा है। नगर निगम के लिए और मकोनिया नगर पालिका के लिए बहुत सारे सौगातें, बहुत सारी प्लानिंग की है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे शहर स्मार्ट शहर तो रहे, स्मार्ट सिटी के माध्यम से तो हो, लेकिन राज्य सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।